देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई ग्रामीण एरिया के अंदर है, वो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए, वहाँ से उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफ़र करा, वहाँ से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र किया, उसके बाद फिर वो मेडिकल कॉलेज। तो ये थोड़े से प्रोसेसेस को और ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए अभी सरकार ने जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाए हैं, और अभी बताया गया है कि भाई आशा वर्कर की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ही ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली पेशेंट को इस ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है। तो वहाँ पर उस तरह के ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए ताकि पेशेंट इधर उधर से इधर ना भटकता फिरे। एक बात यह है। दूसरी बात, जैसा हमारी एल्डरली पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, बुजुर्ग जैसे बढ़ रहे हैं, तो उनकी हेल्दी एजिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ तो कई तरह के इंश्योरेंस में कवर है, जैसे CGHS हो गए, ECHS हो गए, पर फिर भी काफ़ी सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो किसी तरह के ऐसे इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं हैं। तो उनको भी इस तरह की सुविधाएं, जिसमें जांच की सुविधाएं, क्योंकि उनको क्रॉनिक बीमारियां कई तरह की रहती है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, तो उससे संबंधित उनका इलाज वहीं उसी एरिया में होना चाहिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। ये काफ़ी बड़ी चुनौती खास तौर पे बुजुर्गों को रहती है। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी चुनौती है कि होम हेल्थ केयर की भी सुविधाएं ऐसी हो कि काफ़ी हमारे ग्रामीण ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जो शहरों तक ट्रैवल नहीं कर सकते, संसाधनों का अभाव रहता है। तो मोबाइल हेल्थ सर्विसेज की थोड़ी सुविधाएं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाएं, ताकि मोबाइल वैन वहां पर जाकर स्क्रीनिंग कर सके और बेसिक उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, तो इससे काफ़ी हद तक जो बड़े अस्पताल है उसके ऊपर हम बर्डन कम कर सकते हैं। और तीसरा, चौथा सबसे बड़ी बात है कि हम जितना डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, और जैसे अभी बात की भी गई थी, भारत सरकार ने भी बात की है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर जैसा काम चल रहा है, और राजस्थान में भी अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो डिजिटली होने चाहिए, क्योंकि आजकल सब मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो करते हैं। और कई बार जब एक पेशेंट पहुंचता है अस्पताल के अंदर, तो उसको पता नहीं होता उसको पहले वाला उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या था, क्या क्या उसका इलाज चल रहा है। तो उनकी यूनिक आईडी क्रिएट होने से और उनका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होने से डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ पॉलिसी पे मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से वो जो ट्रैवल करना पड़ता है इतना दूर दूर लोगों को, वो ना करना पड़े।